न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पेशी में प्रकरण के मुख्य आरोपी के द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर दूसरे फर्जी आरोपी को पेशी में भेजकर न्यायालय को एक षड्यंत्र पूर्वक धोखा देने के मामले में बैयर पुलिस ने प्रकरण में फर्जी आरोपी अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी को जहां गिरफ्तार किया, तो वहीं इस प्रकरण के मुख्य आरोपी जितेंद्र पिता कलम सिंह बारमाटे 32 वर्ष ग्राम चारटोला मलाजखंड निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बैयर पुलिस ने दोनों ही आरोपी को वहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजवा दिया। आपको बताया कि बैयर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में प्रकरण 841/16 शासन विरुद्ध संतोष बिशेन अन्य चार के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण विचाराधीन है। 11 अक्टूबर को विद्वान अदालत में इस प्रकरण पर फैसला होना था। इस पेशी में जितेंद्र बारमाटे को न्यायालय में उपस्थित होना था, किंतु उसके स्थान पर एक व्यक्ति स्वयं को आरोपी जितेंद्र बारमाटे बताते हुए न्यायालय में उपस्थित हुआ था और यह व्यक्ति न्यायालय के कटघरे में न्यायालय के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा था। इस व्यक्ति पर शंका होने पर न्यायालय के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई जितेंद्र बारमाटे ने बोला था कि आज न्यायालय में उसकी पेशी है, न्यायालय में जाकर देख लो। इस प्रकरण के आरोपी ने अपना नाम देवेंद्र बारमाटे और जितेंद्र बारमाटे को भाई बताया था। न्यायालय परिसर में जब देवेंद्र बारमाटे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने अपना सही नाम अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी होना बताया और यह भी बताया कि जितेंद्र बारमाटे उसका मित्र है। उसके कहने पर वह उसके स्थान पर पेशी में आया था। इस प्रकार अभिषेक सोनेकर ने अपने साथी जितेंद्र बारमाटे के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत न्यायालय को धोखा देने के लिए कृत्य किया गया था। इनके विरुद्ध धारा 419, 420, 205, 120B के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में अभिषेक सोनेकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले की जाँच बैयर थाना प्रभारी पंकज मुर्दन ने करते हुए इस प्रकरण के मुख्य आरोपी जितेंद्र बारमाटे को पकड़ने के लिए एक टीम के साथ जितेंद्र बारमाटे के गांव चारटोला मलाजखंड पहुंचे और घेराबंदी करके जितेंद्र बारमाटे को उसके घर ग्राम चारटोला में गिरफ्तार किया गया। 12 अक्टूबर को दोनों ही आरोपियों को बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है।